हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आई हूँ आपके लिए कोई नई रेसिपी लेके। आज मैं लेके आई हूँ अंडा मसाला, जो बहुत ही यम्मी होती है और सबको बहुत पसंद होती है। और ये रेसिपी जो है बहुत ही डिलीशियस बनती है और हेल्दी भी होती है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। थोड़े बहुत मसाले के साथ में, जो हमारे घर पे जो मसाला है उसके साथ में ही बन जाता है। ये देखिए, मैंने ऑनियन लिया है, मैंने 2 प्याज लिया है और 1 टमाटर लिया है, और मैंने थोड़ा सा लिया है लहसुन और थोड़ा सा लिया है अदरक। लहसुन और अदरक जो है आप ज़रूर लीजिएगा, इससे इसका टेस्ट जो अच्छा आता है। और मैंने लिया है बारीक बारीक का प्याज, जो है वो मैं फ्राई करने के लिए ली हूँ। और जो बड़े बड़े प्याज जो चंक्स में, उसे आप मिक्सर में पीस लीजिए अच्छे से। याद रखिए फ्रेंड्स, कोई भी मसाला जो आप बारीक पीसिए तो ही उसे जो खाने में जो है वो अच्छे टेस्ट लगते हैं। और मैंने मिक्सर जार में प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन जो है मैंने डाल दिया है। इसे डाल के हमें अच्छे से ग्राइंड करना। अदरक जो है ज़्यादा भी मत लीजिए, वरना फिर सिर्फ अदरक अदरक का ही टेस्ट आता है। आप चाहें तो ऊपर से ऐड कर दीजिए, बस पीसते वक्त में थोड़ा कम ही क्वांटिटी में अदरक लीजिए। मैंने लिया है थोड़ा जीरा, 4 काली मिर्च लिया है, 2 लवंग लिया है, थोड़ी सी दालचीनी लिया है और 1 छोटी इलायची ली। ज़्यादा मसाला मत डालिए। अंडा में जो है ज़्यादा मसाला नहीं डालते तो उसका अच्छा लगता है, वरना फिर सिर्फ मसाले मसाले का टेस्ट आता है। और इसे आप बारीक पीस लीजिए। ये देखिए मैंने कितना बारीक पीस लिया है। अब आपको लेना है एक पैन। ओके, अब आप लीजिए अंडा जो बॉईल किया हुआ है। देखिए मैंने पहले से अंडा बॉईल करके लिया है, और आप चाहे जितना भी अंडा लीजिए। आप मैं यहाँ पे 6 अंडा ले रही हूँ। अब अंडे की क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं। अंडे को देखिए मैंने कितना अच्छा बॉईल किया, कितना परफेक्ट अंडा जो है एक बार में छील लिया है। कहीं टूटा नहीं, फटा नहीं, कुछ नहीं। आप अगर बोलेंगे तो अंडा कैसे बॉईल करते हैं, इसका भी मैं रेसिपी आपके साथ में शेयर कर दूँगी। और अंडे में थोड़ा सा आपको हल्दी और थोड़ा नमक डालना है और उसको अच्छे से मिला लेना है। ऐसे अगर अंडा बनाएंगे तो टेस्ट जो अच्छा लगता है। और अंडे के अंदर ग्रेवी न जाती है जाए, इसके लिए आपको जो है अंडे को ऐसे क्रॉस में करके काट लेना है। ये देखिए मैंने कैसे अंडा काटा है, और उसको अच्छे से तेल में गरम करके आप उसको फ्राई कर लीजिए। मैं जो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल बना रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी ऑयल बना सकते हैं। अंडा अगर हम इसे फ्राई करके डालेंगे तो खाने में जो है अच्छा लगता है। देखिए मैं कितने अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। ज़्यादा भी फ्राई मत करिएगा, वरना इसके चमड़े जो है वो एकदम हार्ड हो जाते हैं। आप हल्का सा खाली, बस लाइटली ब्राउन हो जाए तब तक आपको फ्राई करना है। देखिए मेरा अंडा जो है थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, बस इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, हमें थोड़ा ही अंडा फ्राई करना है। मेरा मेरे पूरा फ्राई हो गया। अब मैं अंडा निकाल ले रही हूँ, और आपको जो तेल है, एक्स्ट्रा तेल है, उसी में आपको दूसरा जो भाजी है बनाना है। आपको अलग से और तेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना तेल जो है वो इनफ है। अब आपको तेल में 1 छोटी इलायची को अच्छे से फाड़ लीजिए, और 1 दालचीनी, आप 1 दालचीनी डाला है आपने, 1 सूखी मिर्ची, तेज़पत्ता और 1 छोटी इलायची और 1 लवंग, और मैंने डाला है 1 काली मिर्च। बस आप इतने ज़्यादा डाली, और मैं डाली बिकॉज हमने मसाले में भी ऐड किया था मसाला। और जो मैंने यहाँ पर बारीक प्याज काटा था उसको आप डाल लीजिए। प्याज थोड़ा बारीक ही रखिए, तो इससे ग्रेवी जो आपकी थोड़ी गाढ़ी होती है। देखिए मेरा प्याज जो है अच्छे से भून गया है। अब प्याज जब आपका अच्छे से भून जाए तो आपने जो मसाला पीसा था आपको वो मसाला इसके अंदर डाल देना है। देखिए मसाला मैं डाल दे रही हूँ। और मसाले को आपको फ्रेंड, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, कोई भी भाजी बना रहे हैं आप मसाले को अच्छे से फ्राई करिए। आप जितना मसाला फ्राई करेंगे भाजी आपकी उतनी अच्छी बनेगी। ये मैं आपको एक होटल की टिप्स दे रही हूँ। देखिए होटल वाले कभी भी है मसाले को बहुत अच्छे से फ्राई करते हैं। मेरा भी होटल है, मैं वहाँ की आपको टिप्स दे रही हूँ, जो आप मसाला अच्छे से फ्राई करिए। ये देखिए मसाले का रंग कितना अच्छा है, मैंने अभी कुछ भी नहीं ऐड किया फिर भी मसाले का रंग कितना अच्छा लग रहा है देखने। अब आपको डालना है थोड़ा सा हल्दी। हल्दी आप थोड़ा ही ज़्यादा हल्दी में डाल, थोड़ा सा हल्दी डालिए, थोड़ा डालिए जीरा पाउडर, और थोड़ा सा डालना है आपको धनिया पाउडर, थोड़ा डालना है लाल मिर्ची। लाल मिर्ची आपका अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितना तीखा खाना है। मैं यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून ही लाल मिर्ची डाल रही हूँ। अब आपको डालना है गरम मसाला। आप कोई भी गरम मसाला डाल सकते हैं, अगर गरम मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर पाव भाजी मसाला है तो आप पाव भाजी या फिर चिकन मसाला जो है वो चिकन मसाला भी आप डाल सकते हैं, और इसको आप अच्छे से मिला लीजिए। अगर आप चाहते हैं और रेड कलर आए तो आप यहाँ पे कश्मीरी मिर्ची यूज़ कर सकते हैं, जो कि सिर्फ रेड कलर के लिए होती है, उसमें तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब आपको डालना है सॉल्ट। सॉल्ट जो है आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है मैंने, और अच्छे से इसको मिला लीजिए। और साइड साइड में जो पैन में लगा रहता है ना फ्रेंड्स, उसको भी आप निकाल लीजिए, वरना वो जलेगा तो फिर भाजी में टेस्ट अच्छी नहीं आती है। और मसाले को आप 2 मिनट के लिए ढक दीजिए। 2 मिनट के बाद में आप फिर से ढक्कन हटा के देखिए मसाले में कितना अच्छा कलर आया है, और मसाला देखिए हल्का हल्का तेल छोड़ना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, आपको टिप्स देना चाहती हूँ, आपको कैसे मालूम पड़ेगा जो आपका मसाला पक गया है। जब भी आपके मसाले में साइड साइड से ऑयल छोड़ने लगे तो आप समझ जाइएगा फ्रेंड, जो आपके मसाले जो है वो पक गए हैं। यहाँ पे देखिए मेरे मसाले में कितने अच्छे बबल्स आ रहे हैं। अब मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। पानी आप जो मसाले में मिक्सी में पीसे थे उसमें थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर आप पैन में डाल दीजिए।
और फ्रेंड एक में ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे हम एक मसाला बना रहे हैं, इसके लिए पानी तो कम ही डालिएगा। देखिए मैंने आधा ग्लास के लगभग पानी डाला है और मैं यहाँ पे अंडा डाल दूंगी, और अंडा जो मैंने फ्राई किया था वो अंडा को यहाँ पे डाल दूंगी। और थोड़ी देर बाद देखिए अंडे में कितना अच्छा उबाल आने लगा है। और फ्रेंड जो कॉर्नर कॉर्नर में जो लग जाते हैं मसाला, उसको आप अच्छे से निकाल लीजिए। और ये अंडे के ऊपर देखिए मैं कैसे ग्रेवी डाल रही हूँ, आप भी ऐसे ग्रेवी डालिए, इससे क्या होगा आपके अंडे के अंदर तक पूरा ग्रेवी जाएगा। नॉर्मली क्या होता है अंडे के अंदर ग्रेवी नहीं जाता है, बट आप मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था अंडा आप थोड़ा सा बीच में फाड़ लीजिए। अंडा आप फाड़ेंगे तो उससे क्या होता है, जब अंडा बॉयल होता है तो पूरा अंडे की ग्रेवी जो है वो अंडे के अंदर घुस जाती है, और आप अंडे के ऊपर ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ग्रेवी डालते जाइए, उससे अंडा जो है अपने अंदर पूरा ग्रेवी जो है सोख कर लेता है। और यहाँ पे आपको लास्ट में डालना है बहुत सारा धनिया। धनिया जो है वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, और धनिया आप लास्ट में डालिएगा तो उससे उससे खुशबू जो रहती है बरकरार रहती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। देखिए ऑलमोस्ट मेरा जो अंडा जो है डन हो गया है, बस इसको थोड़ा सा और बॉयल आने दीजिए। थोड़ा सा पानी है, ग्रेवी है, मुझे ग्रेवी नहीं चाहिए इसके लिए, थोड़ा सा मैं अंडे को और पकाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा ग्रेवी चाहते हैं तो आप यहाँ पे अंडा आपका रेडी, आप गैस बंद करके सर्विंग कर सकते हैं, बट मुझे अंडा मसाला बनाना है, थोड़ा गाढ़ा बनाना है, इसके लिए जो है अंडे को थोड़ा सा मैं जब तक मेरा ग्रेवी सूख नहीं जाता तब तक मैं अंडे को पकाऊंगी। देखिए अंडे का फ्रेंड्स इतना अच्छा खुशबू आ रहा है इसका, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनता है, कम मसाले साथ में बहुत ही यम्मी बनता है अंडा। चलिए फ्रेंड्स मेरा अंडा तैयार हो गया है, अब हम चलते हैं सर्विंग करने। यहाँ पे देखिए मैं सर्विंग के लिए रेडी, मैंने कढ़ाई में रखा है, कढ़ाई में मैं अंडा सर्विंग करने जा रही हूँ। देखिए मेरा ग्रेवी कितना गाढ़ा हो गया, अंडा जो है थोड़ी ग्रेवी रहेगी तो इतनी टेस्ट नहीं लगती है, बट अगर आप चावल के साथ खाना चाहते हैं तो आप ग्रेवी रख सकते हैं। मुझे यहाँ पे कुलचा के साथ में खाना है, इसके लिए मैं ग्रेवी कम रखी हूँ, और देख सकते हैं मैंने कैसे कट किया था, मैंने कट किया इसके लिए देखिए अंदर पूरी ग्रेवी चली गई है। और जब आप किसी को सर्व करें तो ऐसे कट यहाँ पर किया, वहाँ पर थोड़ी अंदर ग्रेवी डालकर आप सर्व करें तो उससे आप इससे देखिए खाने में टेस्ट अच्छा लगता है। और मेरा ये रेडी हो गया है प्रिपरेशन, इसमें डाल ऊपर से डाल दीजिए थोड़ा सा और धनिया, धनिया डालेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है। और धनिया कभी भी आप फ्रेश यूज़ करिए, ऐसी काली काली या फिर नरम धनिया मत यूज़ करिए। और ऐसे देखिए डेकोरेशन के लिए मैंने एक लंबी धनिया की स्टिक लगा दी है, इसे देखने में थोड़ा ये अच्छा लगता है। फ्रेंड आप चाहें तो कुछ भी इनोवेटिव तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं, और खाना जितना अच्छा बनता है उससे ज़्यादा ही खाना आप डेकोरेशन करेंगे तो खाने का टेस्ट जो है वो और बढ़ जाता है खाना।